अभी घर पर ही हूँ और दीपक भाई और पापा जी फार्म हाउस में पहुंच गए हैं। वहां पर सांड बैठा हुआ है तो उसके सिंग में चोट लग गई है। मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया, परसों के ब्लॉग में दिखाया था। तो दीपक भाई वहां पर बोल रहे थे कि भैया पेट्रोल ले आना, डाल दो डाल दो। हो हो अरे जाओ डालो ऐसा डालो मत डालो, बहुत बढ़िया। हो ना है, अभी अभी है थोड़ी थोड़ी सी गई। बहुत पड़ी सिंग पर, नहीं पड़ी। अरे इतने दीपक सारे कर दीपक दिए। उधर था, दीपक लगा उधर था, क्या कर रहा दीपक? हाँ लगा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहें। हैव ए नाइस डे। अभी घर पर ही हूँ और दीपक भाई और पापा जी फार्म हाउस में पहुंच रहे हैं। वहां पर सांड बैठा हुआ है तो उसके सिंग में चोट लग गई है। मैंने कल के ब्लॉग में दिखाया, परसों के ब्लॉग में दिखाया था। तो दीपक भाई वहां पर बोल रहे थे कि भैया पेट्रोल ले आना, इसके सिंग पर डाल देंगे और मतलब आराम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि पेट्रोल से मतलब कम चल जाएगा। तो देखते हैं, मतलब मैं पेट्रोल निकालता हूँ अपनी गाड़ी में से और पेट्रोल ले जाता हूँ वहाँ पर फार्म हाउस पर। लो जी, यह है मेरी बाइक की पेट्रोल पंप की चोब। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और ये नली निकाल लेता हूँ। इसमें से पेट्रोल निकल जाएगा और ये इसमें ले लेता हूँ पेट्रोल। कैसे पकड़ूँ, एक हाथ से कैसे करूँ? चलो पहले निकाल लेता हूँ। लो जी, पेट्रोल आना शुरू हो गया है। मैं चल रहा हूँ फार्म हाउस की तरफ। पेट्रोल इतना मैंने ले लिया है और मुझे जल्दी पहुंचना होगा क्योंकि ये ओपन पेट्रोल है, मतलब खुला हुआ है, तो ये पेट्रोल मतलब उड़ जाता है जल्दी। तो बस पहुंचना है मुझे जल्दी फार्म हाउस पर। आ गया हूँ रोड पर और पेट्रोल कम हो रहा है समय के अनुसार। तो पहुंच रहा हूँ बस फार्म हाउस पर, पहुंच जाऊंगा 1 मिनट में। लो जी आ गया इस तरफ। पहुंच गया जी। कहाँ पर है दीपक? बस डालने के फ्राक में। वहां तो अंदर अंदर जाओ, अंदर जाने पर। हाँ ये सतर्क हो गया, डाल लेना देगा। इतने सा यहीं पकड़ेगा डाल देगा, मारना मारता नहीं है। भाई डर लग रहा है ना, या सही हो जाएगा? बस ये है, मारते ना आंख बना लगे। देखो आन तो मैं यहां से ना सिम को टपका दूंगा ना, अच्छा चल वो ऐसा जैसा निकालो। हाथ दीपा दीपा आगे होगा साटो, दीपा बेटा आगे साटो। तो चल चल सिम को चल, लगा ये दूंगा डंडा दे इधर, ये सब डंडा से निकालेंगे। ना। चल 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 चल, चलो बोल यार डंडा इतना सा डाल दो डाल दो। हो हाथ। हो और ये जाओ डालो ऐसा मत डालो डालो, करते बहुत हो। ना है, अभी थोड़ी अभी है थोड़ी सी गई। बहुत पड़ी सिंह पर, नहीं पड़ी। अरे इतने दीपा सारे कर दिए। दीपा उधर था, दीपा लगा उधर था, क्या कर रहा दीपा? हाँ लगा हूँ, इतना ना पड़े। पहुंच नहीं देते ऐसे तो बंदूक होना चाहिए ना। थोड़ी पहले ही पहुंच गई, थोड़ी सी पड़ गई थी वो पहले थोड़ी सिंह सी पर, पहले पहुंच गई। जहां मैं से लिखा था मुकला इसमें डलवाई नहीं यार, क्या बताया, परेशान रहेगा ये। थोड़ी सी पेट्रोल पड़ गई है उसके सिंह पर, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। देखते हैं कब को नेक्स्ट टाइम जब भी फंसेगा तो एक दो बंदों को और उबलाकर, तो मतलब पड़वा कर उसे डलवा देंगे, या डॉक्टर को बुला लेंगे और सिंह पे मतलब कुछ ना कुछ लगवा देंगे। और इस तरफ ये मुकेश मतलब के ऊपर से पड़ उसके अंदर मतलब वो सरिया डालेंगे, भीम डालेंगे और ऐसे उस तरफ, और उस तरफ मिस्त्री साहब पढ़ाई कर रहे पानी वाली बाल्टी में होगो। भीम डालने के लिए जो रिंग है मतलब वो तैयार कर रहे हैं। और पापा जी रिंग को गिनना है कि कितने रिंग हैं, कितने बाकी रहे हैं। एक चूंकि एक को रिंग ऊपर पड़ेगा, एक नीचे पड़ेगा, तो बस उसका ही कैलकुलेशन कर रहे हैं और रिंग की तैयारी कर रहे हैं बनाने की। और इस तरफ से ये सुरेश बजरी भर रहे हैं और फड़ पे ले जाकर डाल देंगे। अकेले भर रहे हैं और जो दूसरे मुकेश हैं वो मतलब रोबा तोड़ रहे हैं बाउंड्री में, ये आ गए हैं हवा लेने के लिए। 1 hour later इस तरफ ये पूरा जाल बन चुका है और इधर नींव में जो थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी उसको लेवल कर रहे हैं मिस्त्री साहब, अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं और वो मिट्टी निकाल रहे हैं पीछे पीछे मुकेश। नींव भरने की शुरुआत कर दी है, रशियटे ला रहे हैं इधर से, और मिस्त्री साहब इधर हैं अपने डोरे लगा रहे हैं। दीपो भाई कहीं पे जाना चाहे, घर जा रहा है, और पापा जी भी घर जा रहे हैं। पीला ईट को लगाने के लिए गारे की जरूरत पड़ती है, तो नीचे
ये तीन चार अंदर मतलब पीला ईंट के लग रहे हैं, डेढ़ ईंट के, उसके ऊपर भीम पड़ जाएगा। तो गारा भी तैयार हो चुका है और हमारा ये जाल तैयार है भीम का। सुरेश गारा देते हुए, पीरा मतलब पीरा मिट्टी का ये गारा है। पूरा बड़ा लास्ट अद्दा है ये गारा जो नींव खोदी थी, तो थोड़ी सी मतलब ज्यादा खोदते हैं ताकि मतलब आसानी से ईटर लग सके। तो वो गद्दा रह गया तो उसमें मिट्टी डालना है अभी, क्योंकि एक रद्दा अभी और आएगा गारे का, तो उसके बाद मतलब भीम पड़ जाएगा, फिर नहीं डाल सकते मिट्टी। तो जो नाली है बनी हुई साइड से वो अभी भर जाएगी मिट्टी से। इस तरफ मुकेश एक कट्टे का माल मिला रहे हैं। पहले बजर फुट में ये सीमेंट मिला लेंगे, उसके बाद बजरी मिलाएंगे, क्योंकि बजरी अगर सीमेंट दोनों को मिक्स कर लेंगे तो फावड़ा नहीं चल पाएगा और जो सीमेंट है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा पूरे मिक्सर में। तो अच्छे से मिक्सर हो जाएगा सीमेंट और बजर फुट, उसके बाद बजरी इसमें इंक्लूड कर लेंगे और फिर बस माल तैयार हो जाएगा और भीम मतलब पड़ जाएगा। आज पिंटू भाई आए हैं घर से देखने के लिए कि क्या चल रहा है और कैसा हो रहा है यहाँ पर। मैं खाता हूँ, पिंटू भाई निरीक्षण कर रहे हैं किचन का निरीक्षण कर रहा है। पहले इस तरह है वो वाली किचन देखी थी और अब ये किचन देख रहा है। अब देखते हैं क्या कैलकुलेशन निकालते हैं ये अपनी राय देंगे देखने देते हैं। पिंटू भाई अब इस तरफ से देख रहा है ये देखो क्योंकि पिंटू भाई को ना ये पूरा हॉल पसंद था, तो उसमें हमने किचन करवा दी। तो सोच रहे हैं जबकि ये किचन पसंद थी। पिंटू भाई है ये क्या किचन कितना है ये? ऐसी किचन है कितनी इतनी छोटी किचन है? ये नींव भर चुकी है 1.5 ईंट की, और इसमें मतलब मिस्त्री साहब मिट्टी डालना है साइड में। और ये पिंटू भाई कर रहा है निरीक्षण, और इस तरफ मसाला बन चुका है या बन रहा है, देखता हूँ कितना हो गया। हाँ मतलब सीमेंट मिला दिया बजर फुट में, और अब ये बजरी मिला रहे हैं इसमें, और इसको पानी डालकर इसे समासम कर देंगे, पूरे मिश्र को तैयार हो जाएगा, फिर भीम डालने के लिए तैयार। 1 hour later भीम पड़ चुका है और इनका लंच टाइम हो गया, वो खाना खाकर सुरेश लेट रहे हैं, और इधर संदीप जी आए हुए हैं तो बस जी है, अब चलते हैं घर की तरफ। करीब आधा घंटा हो गया, आधा पौन घंटा हो गया संदीप भाई आए हुए, तो अब घर पे जा रहे हैं फार्म हाउस से, और दीपू भाई भी आ गए हैं ये शहर गए थे तो बस पहुंच रहे हैं घर की तरफ। 1 hour later करने के बाद वापस आ गया हूँ फार्म हाउस पर, और यहाँ पर उन्होंने ये माल मिला दिया है, ये देखो ये तैयार कर लिया है माल। जबकि अंदर प्रधान जी ने मतलब जो साइड से जो जगह बची थी नींव की उसमें मिट्टी डालकर मतलब समतल कर दी है, और जो मिट्टी यहाँ पर आई थी उस मिट्टी को भी मतलब ठिकाने लगा दिया है अंदर से बाउंड्री के बराबर से डालकर, ताकि अब मतलब यहाँ पर ईटा रखने में सहूलियत हो और चलने फिरने में भी सहूलियत होगी। यहाँ पर चिनाई का कार्य चल रहा है, लेकिन सुरेश काफ़ी देर से गायब है, पता नहीं किधर है, मैं देख कर आता हूँ वो तो है किधर। आवाज़ तो आ रही है वैसे ईटों की। ओ तो यहाँ पर है अच्छा चलो कोई नहीं, ला दे रहा हूँ। यहाँ पर चल रहा है काम, मुकेश ये माल तैयार कर रहे हैं चुनाई के लिए, और इस तरफ सुरेश पौध लगाने के लिए मतलब एक लकड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जो पौध का एरिया था जिसमें हमने पौध उखेड़ी थी उसमें पौध लगानी बाकी है, तो उसमें वाहन बहुत सख्त हो गया है तो उंगली नहीं बैठ रही है, तो सुरेश मतलब मेहनत कर रहे हैं और इसकी नुकीली धार बना रहे हैं लकड़ी की। पहले इसे गाड़ेंगे, फिर जब वो छेद हो जाएगा तो उसमें धान का जो पौधा है, जो पौध है मतलब उसे गाड़ कर मतलब उसको दबा देंगे, इस तरीके से हमारी पौध लग जाएगी। और अंदर काम चल ही रहा है, तो बस सुरेश उधर चले जाएंगे और यहाँ पर मसाला और ईटा मुकेश देते रहेंगे। लो जी सुरेश पहुँच गए हैं पौध में, ये देखो, और पौध गाड़ रहे हैं। पहले लकड़ी से मतलब छेद कर रहे हैं, उसके बाद उस छेद में मतलब पौध गाड़ रहे हैं, पौध का जो पौधा है वो। सुरेश ज़्यादा चौड़ा मत करो, छेद ज़्यादा चौड़ा मत करो, बस छेद करो और उसमें पौधा लगाओ और दबा दो बस।
है ना, वो दबा देना उंगली से, ठीक है। हाँ बस इतना ही पोर्शन रह गया है, ये गाड़ देंगे पौधा, काम ऑफ हो गया है। और ये दीवारें इतनी बन चुकी हैं, और मिस्त्री साहब और सुरेश और मुकेश सब ट्यूबवेल के आगे हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर प्रधान जी, मतलब प्रधान जी मीन्स मतलब मिस्त्री साहब हाथ में धुल रहे हैं और मुकेश भी हाथ में धुल रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।